हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कुक विद कनक में आपका स्वागत है। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में शाही पनीर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 3 बड़े साइज के अनियन, 3 बड़े साइज के हमने यहाँ पे टमाटो ले लिए हैं, 4 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से लहसुन की कलियाँ और अदरक हमने यहाँ पे नहीं यूज किया है। आप अगर अदरक खाते हैं तो इस्तेमाल करें, नहीं तो नहीं करें। 1 छोटी कप हमने यहाँ पे क्रीम ली है, 1 छोटी कटोरी हमने यहाँ पे दही ली है, ताज़ा दही इस्तेमाल करेंगे इसमें। 400 ग्राम हमने पनीर लिया है, इसे टुकड़ों में क्यूब कट कर लिया है। आपको जैसा पीस पसंद हो, बड़ा या छोटा, जैसा पसंद हो वैसा कट करें। यहाँ पे हमने 10-12 काजू ले लिए हैं, 5-6 बादाम ले लिए हैं। इसे हमने पहले ही गर्म पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे खड़े मसाले हमने लिए हैं, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और 2-4 हमने यहाँ पे काली मिर्च भी ली है। यहाँ पे हम अनियन और टमाटो को भुनेंगे नहीं और ना ही इसे उबालेंगे, इसे हम ऐसे ही ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अनियन का हमने पेस्ट बना लिया है, अदरक लहसुन को भी हमने पीस लिया है, अब टमाटो को भी पीस लेंगे। टमाटो का भी हमने पेस्ट बना लिया है, अब इसी पॉट में हम काजू और बादाम को भी पीस लेंगे। इस तरह से पानी से निकाल के हमने इसमें रख लिया है और इसे अच्छी तरह से पीस लिया। काजू का भी हमने पेस्ट बना लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने पेस्ट बनाया है। अब हम एक पैन लेंगे, गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच घी। शाही पनीर बन रही है तो हमें यहाँ पे घी ही डालना होगा। घी अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालते हैं जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 2 लौंग और काली मिर्च। इस टाइम पे हम यहाँ डाल देते हैं 1 चम्मच देगी मिर्च इसमें। बस 1 सेकेंड के लिए ही इसे छोड़ना है। और आधी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी डाल दी है जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं प्याज की प्यूरी। इसे हम थोड़ी देर भुनेंगे। लाल मिर्च भी हम इसी टाइम पे डाल देते हैं, आधी चम्मच। अनियन हमारा भुन चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम डाल देंगे काजू और बादाम का पेस्ट। इसे जल्दी जल्दी चलाते हुए भुनेंगे, छोड़ेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। तब तक हम इधर क्या करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर इसमें लेके इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही में ही हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि दही फटे नहीं, नहीं तो दही फटने का डर होता है। थोड़ी देर ये हमारा काजू और बादाम भून चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं टमाटर प्यूरी। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर प्यूरी। इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। चलाते हुए बीच बीच में हम इसे मीडियम आंच पे ही तलेंगे, इसे मीडियम आंच पे ही हम भुनेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि ये टमाटर हमारा अच्छे से भून सके। स्वाद अनुसार ही हम नमक का इस्तेमाल करेंगे।
इसे लो फ्लेम पर हम ढक के पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे अच्छी तरह से। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। टमाटर हमारा भून चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं दही में जो हमने फेंट के रखी थी धनिया पाउडर, उसे हम डाल देंगे। और अच्छी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो दही हमारा फट सकता है। दही डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे, नहीं तो इसमें दही का टेस्ट आ जाएगा। अब इसे ढक देते हैं और मीडियम आंच पे ही रखेंगे इसको। दही डालने के बाद हमने इसे 5-7 मिनट भून लिया था, ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं फेंटी हुई क्रीम। हमने दूध से निकाली हुई जो मलाई थी उसे ही फेंट के ले लिया है। आप अमूल क्रीम भी ले सकते हैं, या अमूल क्रीम नहीं हो तो आप घर में जो दूध रहती है उसकी मलाई हो। क्रीम डालने के बाद हमने इसे थोड़ी देर भून लिया है, देखिए ऊपर से कितना सारा तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध, इसे चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। इसमें हमने दूध डाल दिया है, इसके लिए हमने 1 कप दूध लिया था। आप इसमें चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब हम इसे ढक देंगे, ढक के पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे, उसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना ज़बरदस्त। इसे हम थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। इसमें हम 1 छोटी चम्मच चीनी भी डाल देंगे, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पनीर के क्यूब्स। पनीर हमने इसमें डाल दिया है, हमने गरम मसाला पहले इस्तेमाल नहीं किया था तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। आप इसमें चाहें तो पनीर को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे कच्चा पनीर ही इस्तेमाल किया है। इसे 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल शाही पनीर। अब हम इसमें डाल देते हैं क्रश किए हुए कसूरी मेथी, इसे हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। गैस को कर देते हैं ऑफ और थोड़ी देर इसे ढक देते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। Thank you.
ठंडा होने के बाद हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। तो है ना एकदम डिफरेंट स्टाइल हमारी शाही पनीर। इसे आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर। तो है ना हमारी ये इसे ठंडा होने के बाद हमने एक बाउल में निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो है ना डिफरेंट स्टाइल हमारी शाही पनीर। तो है ना बिल्कुल डिफरेंट ढाबा स्टाइल हमारी शाही पनीर। इसे आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसे ठंडा होने के बाद हमने एक बाउल में निकाल लिया है। तो है ना बिल्कुल डिफरेंट ढाबा स्टाइल हमारी शाही पनीर। इसे आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।